सो गाइस, आज मैं बात करने वाला हूँ। आप चाहते हो कि मैं 2000 से 2500 के बीच में कोई कोई सिंपल फ़ोन लेना जो आप सिर्फ और सिर्फ बात कर सकते हो, उसमें फिल्म देख सकते हो, गाना देख सकते हो और म्यूजिक सुन सकते हो। फिर मैं आपको ऐसे चार जेन्युइन तरीका बताऊंगा, यानी कि चार ऐसे मोबाइल बताऊंगा जिसको आप जेन्युइन तरीके से खरीद सकते हो, अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों खरीद सकते हो। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा इसी तरह के वीडियो को पाने के लिए। चलिए गाइस, मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो गाइस, मैं फाइनली आगे स्क्रीन डिस्प्ले पर, मतलब उस वेबसाइट्स पे जिस वेबसाइट्स पे वह कंपनी ने लॉन्च किया कि 2500 से कम में आप चार फोन को खरीद सकते हो बहुत ही आसान तरीकों में, जिसमें आप बात कर सकते हो, फिल्म देख सकते हो और गाना सुनते हो। चलिए गाइस, मैं चलता हूँ उस वेबसाइट्स पे। तो गाइस, सबसे पहले लिखा हुआ है नोकिया, सैमसंग, माइक्रोमैक्स एंड अन ब्रांड दे रहे हैं 2500 रुपये से कम में ये चार बेसिक फ़ोन। यानी कि आप बता रहे हैं कि सैमसंग, माइक्रोमैक्स और लावा के फ़ोन को 2500 रुपये से कम कीमत में खरीदा जा सकता है। यह फ़ोन फ्लिपकार्ट, अमेजोन और स्थानीय मार्केट में उपलब्ध है, यानी कि आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हो और ऑफलाइन भी मंगा सकते हो। आइए जानते हैं इनके स्पेशली फीचर्स और कीमत के बारे में। तो पहला है, मोबाइल बाज़ार में मौजूद फीचर का अपना अलग ही यूजर बेस है और उन्हें यही बेसिक फ़ोन पसंद आते हैं। ऐसे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि 2000 से 2500 रुपये तक के कीमत में आने वाले फ़ोन के बारे में। तो गाइस, सबसे पहले मैं बता दूँ कि पहला है नोकिया 150, यानी कि मॉडल 150 का। इसके बाद नोकिया 150 स्मार्टफोन को 2299 रुपये में खरीदा जा सकता है और यह कीमत अमेजोन पर लेटेस्ट है, यानी कि अमेजोन पर यह अवेलेबल है। इस फ़ोन में 2.4 इंच का डिस्प्ले दिया गया और इसमें बड़े बटन दिए गए हैं। एंड इस फ़ोन की खासियत क्या है कि आप इसमें 32 GB का इंटरनल, यानी कि 32 GB का SD कार्ड इसमें लगा सकते हो, जिसमें आप मूवी, फोटोज, वीडियो को देख सकते हो। और अंग्रेजी नेक्स्ट क्या है कि नेक्स्ट यह है कि सैमसंग मेट्रो, यानी कि सैमसंग मेट्रो 313 की कीमत अमेजोन पर 2129 रुपये में, यानी कि सैमसंग का मोबाइल आपको 2129 में मिलेगा। और इस फोन 16 MB की रैम है और 16 GB की SD कार्ड लगा सकता है, यानी कि इसमें आप 16 GB का और लगा सकते हो मेमोरी। अंग्रेजी मैं तो बता दूँ कि इसमें आप 16 GB का मेमोरी कार्ड लगा सकते हो। इसके साथ ही फ़ोन के 1000 इमेज की बैटरी और इसमें 1000 की बैटरी आती है गाइस। तो गाइस, ये दो मैंने गाइस दो फोन बता दिया। तीसरा फोन क्या है कि माइक्रोमैक्स एक्स 741 प्राइस एंड स्पेसिफिकेशन, यानी कि माइक्रोमैक्स एक्स 441 फ्लिपकार्ट पर लेटेस्ट है, यानी कि यह फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है और इसकी कीमत 2429 यानी कि 2500 रुपये है। इस फ़ोन में अतना इसमें 32 MB और 32 MB स्टोरेज दी गई, यानी कि 32 GB का इसमें भी आप मेमोरी लगा सकते हो। यह फ़ोन 1750 mAh की बैटरी के साथ आता है, यानी कि 1750 mAh का बैटरी है। तो आज मैंने तीन फ़ोन को यहाँ पर आपको बता दिया। चौथा फ़ोन है लावा प्लस, यानी लावा का यह स्मार्टफोन फ्लिपकार्ट पर 1595 यानी कि सबसे कम दाम है, जो कि 1600 के करीब में आता है। फ़ोन में 2.4 इंच का डिस्प्ले दिया गया है, साथ ही इस फ़ोन में 1800 mAh की बैटरी है और बैक पैनल पर इतना मेगापिक्सल का कैमरा, यानी कि लावा मोबाइल फ़ोन में आपका कैमरा भी मिल जाएगा। आपको यहाँ पर ना चार फ़ोन का रिव्यू बताया, जो कि आपको स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया कि वह कितना का फ़ोन है और उसका प्राइस क्या है और उस फ़ोन की खासियत का दी गई। आपको यह सारी फ़ोन आपको फ्लिपकार्ट, अमेजोन एंड आपको नज़दीकी मोबाइल दुकान। तो गाइस, मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आप लोग पास कोई क्वेश्चन आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।